अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री टी डी ब्लेंडर क्लास 7 में आप सबको खुशामदीद। ये वीडियो एक सॉर्ट ऑफ टाइम लैप्स है जो कि इस पर हम स्टम्प्स और क्रिकेट पिच बनाएंगे। आप देख सक रहे हैं कि वीडियो चल रही है और मैंने यहाँ पे सिलेंडर यूज़ करके मैंने गिल्लियों की यहाँ पे एक है ना शेप बना दिए और यहाँ पे बेवल यूज़ करके हमने एक स्टम्प्स बना दिए और इसे शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर दिए फॉर गिल्लियाँ। एक और स्टम्प्स क्रिएट कर दिए और इनसेट करके मैंने इसके जो पिलर बाहर निकाल दिए और इसके बाद यहाँ पे एज लूप देके जो ये आप रेफरेंस पिक में तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे शेप निकला हुआ है गिल्लियों का, वो शेप हम इसको दे देंगे। आप स्टेप्स को रिपीट करते जाइए। ये सब वही स्टेप्स है जो इससे पिछले की जितनी भी क्लास की पार्ट्स आए हैं ब्लेंडर के, उनमें ये सब मैंने स्टेप्स रियल टाइम किए हैं। तो क्लासेस रिपीट ना हो तो ये एक मैंने टाइम लैप्स वीडियो बना दिए और साथ में कमेंट्री भी करता जाऊंगा। यहाँ पे मैंने ये गिल्ली बना दिए और यहाँ पे सब डिवीजन यूज़ करके एज लूप्स दे के इसको एक शेप दे के यहाँ पे शिफ्ट डी से हम इसे कॉपी कर देंगे। इसे प्लेस करने के बाद ये एडजस्ट करेंगे, शिफ्ट डी करके यहाँ पे क्रिकेट की पूरी स्टम्प्स बन गई है। अब इसको मैं एक एक करके इसको मार्क सीम करूँगा ताकि मैं इसको अनरैप कर सकूँ। अनरैप की क्लास इससे पिछली वाली क्लास थी, आप देख सकते हैं। और एक एक फटाफट इसको मैं मार्क सीम करूँगा सबको ताकि इसे अनरैप कर सके। और यहाँ पे ये अनपैकर यूज़ करके मैंने यहाँ पे आइलैंड के इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक पेड एडोन है, आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस एडोन को, या मैन्युअली आप सब आइलैंड्स पे ये जो अनरैप पीसी से इनको प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे चार्ट के अंदर। और एक एक करके सबको अनरैप कर दीजिए और चेकर से देख लीजिए कि स्ट्रेच ना हो ये आपका। अगर स्ट्रेच होगी तो टेक्चर सही से नहीं आएंगे। हमारी इस सीन में स्ट्रेच टेक्सचर का इतना बड़ा मसला नहीं होगा क्योंकि टेक्सचर सारे प्रोसीजरल है। या आप देखें कि मैंने टेक्सचर पे नोट रेंगुलर यूज़ करके कंट्रोल शिफ्ट टी दबा के इसको प्रिंसिपल BSDF से मैंने इसको टेक्सचर अपलोड किए हैं। ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था किस तरह टेक्सचर अपलोड करते हैं। यहाँ पे एजिस नहीं थे ज़्यादा तब ये टेक्सचर सही नहीं आ रहा था और यहाँ पे फिर इन पे कंट्रोल आर करके लूप दे देंगे और मैच को डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके इमेज टेक्सचर प्रॉपरली अलाइन हो सके। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्केल और रोटेशन सही करके एक यहाँ पर टेक्सचर बन गया। टेक्सचर की फाइलें नीचे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन पे दी हुई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टम्प्स की और इसके बाद जो हम क्रिकेट की पिच बनाएंगे उससे भी। और यहाँ पे मैं कलर को एडजस्ट कर रहा हूँ नोट ब्राइट एंड कंट्रास्ट यूज़ करके ताकि ये कलर मैच हो। अब ये दूसरा मैं यहाँ पे पिच का रेफरेंस लिया है और क्यूब से मैं हम एक पिच का शेप बनाएंगे। इमेज को एक सेटिंग करके ओवरले कर दिया है ताकि वो धुंधली हो और इसे सेट करके हम एक पिच का शेप बनाएंगे और इसे बिल्कुल पतला कर देंगे ताकि पिच की तरह हो। हमारा इस वीडियो में मकसद है पिच और स्टम्प्स बनाना। इसे भी मैं अनरैप करने के लिए मार्क सीम करूँगा ताकि मैं इसे अनरैप कर सकूँ। और इसे मार्क सीम करने के बाद इसे हम अनरैप कर देंगे और सेट कर देंगे इस एडॉन से और फिर टेक्सचर ऐड कर देंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और यहाँ पे इमेज डाल के जो ओरिजिनल टेक्सचर होगा इसका थोड़ा सा कलर सही नहीं होगा तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप वीडियो को फॉलो करते जाइए और अगर मुझे फॉलो अप करते जाएंगे प्रॉपर्ली तो आप पिच का कलर वही जो ओरिजिनल जो ब्राउनिश होता है वो कर सकेंगे। ओरिजिनल पिक्चर काफ़ी लाइट थी तो इसे मैंने मैन्युअली इसको एडजस्ट किया है। आप स्टेप रिपीट करते जाइए। शिफ्ट डी से मैंने अगेन पिक को डुप्लीकेट किया है और यहाँ पे दूसरे एड ऑन यूज़ करके यहाँ पे हाइट पे और यहाँ पे बम्प मैप पे क्रिएट कर देना। यहाँ पे जो सेकंड पिक्चर होगी जिससे बम्प और नॉर्मल मैप कनेक्ट है वहाँ मेक श्योर के जो कलर स्पेस है उस नोट के अंदर जो ये कॉन्क्रीट 1 JPG है बम्प वाली उसका sRGB से नॉन कलर डेटा कर दीजिएगा। वो मैं करना भूल गया इस वीडियो के अंदर, उससे और बेहतर रिजल्ट आएगा क्योंकि वो कलर इन्फॉर्मेशन नहीं ग्रे एंड वाइट स्केल की इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है नाजरीन, तो ये इसी सेटिंग को आप है ना रिपीट कर दीजिए और है ना यहाँ पे
एक और प्लेन बनाएंगे, और जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये जो वाइट कलर की पिच होती है, इसे भी हम बनाएंगे। इसे मैं टेक्सचर के अंदर नहीं लेके आ सक रहा था, क्योंकि टेक्सचर काफ़ी धुंधला था, तो इसे मैंने मैन्युअली बनाई है ताकि रेंडर इसका प्रॉपरली आ सके। बेसिकली ये सब क्यूब्स हैं, और इसे डुप्लीकेट करके और स्ट्रेच करके एक ना पट्टिया बना के आपको बस रेफरेंस पिक्चर से मैच करना है। अब इसी तरह मैच कीजिए, और यहाँ पे बड़ा होगा इसे जी एस और जी से बिल्कुल इसको पतला कर दीजिए, स्केल कर दीजिए। ये सारे स्टेप मैंने पिछली क्लास में रियल टाइम में किए हुए, आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने इसलिए इसलिए स्पीड अप कर दिए वीडियो के, ये सारे स्टेप मैं कर चुका हूँ, और ये काफ़ी रेपिटेटिव स्टेप्स हो जाते हैं। और इसे भी हम मार्किंग करके अनरैप करेंगे, और टेक्सचरिंग के लिए हम वही पिच वाला टेक्सचर इस्तेमाल करेंगे इस पर, लेकिन थोड़ा वाइटनेस देंगे इसके अंदर, ताकि वो डर्ट और मिट्टी वगैरह हो ना वो उस पर हो, क्योंकि पिच पे मिट्टी वगैरह हो और है ना इन पट्टियों पे मिट्टी वगैरह ना हो तो काफ़ी बुरा लगेगा। तो यहाँ पे भी मेरे स्टेप रिपीट कीजिए, और अगर मेरा आप स्टेप रिपीट करेंगे तो इन पट्टियों पर उसी तरह डर्ट और मेल आ जाएगी जो पिच पे है, और कलर सी इसका जो है ना थोड़ा सा वाइट कंट्रास्ट में आएगा। स्टेप्स को रिपीट कीजिए, और ध्यान से स्टेप्स को रिपीट कीजिए। नोट्स बड़ी कमाल की चीज़ है, अगर आपने इसे समझ लिया तो आप किसी तरह भी टेक्सचर पेंटिंग कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, और इसी तरह हमारी पूरी पिच तैयार हो जाएगी। यहाँ शिफ्ट डी करके अब दूसरी साइड को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कॉपी करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच, थोड़ा सा मूव, और बी स्मार्ट, ब्लेंडर पे आपको बी स्मार्ट होना है। हर चीज़ खुद से नहीं बनाई जाती, एक चीज़ बनाएं उसे डुप्लीकेट करें, कॉपी करें, और इसी तरह मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। एक एक चीज़ आप बनाने जाएंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो बी स्मार्ट इन ब्लेंडर। और इसी तरह स्टेप्स को यहाँ पे मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, या इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, हाँ जी स्ट्रेच कर रहा हूँ इसको, और रेफरेंस पिक्चर से बस आपको यहाँ पे मैच करना है। और इसी तरह हमारे पास एक क्रिकेट पिच बन गई पट्टियों के साथ, और स्टंप्स बन गए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह क्रिकेट की पिच बनती है, और क्रिकेट की पट्टियाँ बनती है, और स्टंप्स बनते हैं, और टेक्चर की फाइल्स नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई हैं, उसे डाउनलोड कीजिए, और ये इन मेरे स्टेप्स को रिपीट कीजिए। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं HDRI एनवायरनमेंट ऐड करूँगा, और एक फेक स्टेडियम का लुक देंगे। सो लाइक एंड शेयर, अलविदा, अल्लाह हाफिज़।